दोस्तों, मैं रईस अहमद सैफी। माता रानी के दर्शन करने जा रहे श्रद्धालु दर्शन करके वापस आ रहे थे, तभी अचानक ट्रैक्टर एक खाई में पलटा और तकरीबन 26 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। ये घटना बीती रात कानपुर के देहात क्षेत्र घाटमपुर की है। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर ट्राली में करीब 50 श्रद्धालु सवार थे। जान गंवाने वालों में तकरीबन 13 बच्चे और करीब 13 महिलाएं। बताया जा रहा है श्रद्धालु उन्नाव जिले में स्थित चंद्रिका देवी मंदिर के दर्शन करके वापस लौट रहे थे। मौके पर अभी राहत कार्य और बचाव जारी है। प्रधानमंत्री मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, सभी ने शोक व्यक्त किया है इस घटना को लेकर। सभी ने ट्वीट करके शोक व्यक्त किया है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतक के परिवार को 2 लाख रुपए और घायल के परिवार को 50,000 रुपये धनराशि देने का ऐलान किया है। मौके पर आला अधिकारी DIG SDM भी पहुंच चुके हैं। बचाव कार्य के लिए करीब 15 एम्बुलेंस लगाई गई हैं। घायल श्रद्धालुओं को जिला स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रात ट्वीट करके कहा, मेरी अपील है कि ट्रैक्टर ट्रॉली का उपयोग सिर्फ कृषि कार्य और माल ढुलाई के लिए ही करें। इससे सवारियों की ढुलाई ना करें, जीवन अमूल्य है, कृपया लापरवाही ना करें। अब चलते हैं दोस्तों अपनी दूसरी खबर की तरफ। दूसरी खबर भी है उत्तर प्रदेश की। आज 1 अक्टूबर यानी कि महीने का पहला दिन, और हमारे देश में हर महीने कुछ नए नियम बदलते हैं, कुछ नए नियम लागू किए जाते हैं। तो आज भी कुछ बदलाव हुए हैं, आज भी हम पर कुछ नए नियम लागू किए गए हैं। दोस्तों, गांव और शहरों के वो लोग सावधान हो जाएं जिनका बिजली बिल बकाया है, अब अपनी जेब में ढीली करने के लिए तैयार हो जाएं। यूपी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड विद्युत विभाग ने तमाम आला अधिकारियों और कर्मचारियों को आदेश दिए हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों से 1 करोड़ रुपये और शहरी क्षेत्रों से 2 करोड़ रुपये की वसूली की जाए। जिनके भी बकाया बिल हैं वो जल्द से जल्द जमा कराएं, अन्यथा आपको भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। ये कार्रवाई 10 अक्टूबर तक पूरी होगी, इसलिए अपना बकाया बिल जमा करें, अन्यथा आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। आज की हमारी बस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं एक और नई रिपोर्ट के साथ, एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। आपका जीवन अमूल्य है, इसके साथ लापरवाही ना बरतें। अगर हमारी रिपोर्ट आपको सही लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।